हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रैक्टिस सेट। तो इस जेएसएससी के इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे झारखंड जीके, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 3। अगर इस प्रैक्टिस सेट आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सेट का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से था? तो सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से था? आपके ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, खेरवार विद्रोह। तो सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से था, इसका आंसर दीजिए। तो इसका संबंध जो था संथाल विद्रोह से था, और संथाल विद्रोह से काफी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, संथाल विद्रोह हुआ किस वर्ष था? ये संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, और झारखंड के किस क्षेत्र में संथाल विद्रोह का मुख्य प्रभाव हुआ था? तो इसका मुख्य प्रभाव जो था संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, और संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धो कानू के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह को किस विद्रोह की संज्ञा दी जाती है? एक विद्रोह है जिसका नाम आता है हुल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह का ही हुल विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। और कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। भारत की प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्क्स ने किसको कहा है? संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह से संबंधित एक है हुल, और झारखंड में हुल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, झरिया खान किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया की खान जो है किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा खनन, तांबा खनन, अबरक का खनन, कोयला का खनन। तो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है झरिया की खान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला का खनन। कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है झरिया का खान। और झरिया जो है झारखंड के किस जिले में है? जो झारखंड के धनबाद जिले में है। अगर बात करें धनबाद जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और धनबाद जिले की स्थापना 1956 हुई है। और धनबाद जिले में ही एक उर्वरक का संयंत्र है जिसकी स्थापना 1951 में हुई है। उस उर्वरक संयंत्र का नाम क्या है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र, जो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सिंदरी में स्थापित हुई है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्या है, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, शीतोष्ण प्रकार की, शीत प्रकार की। तो जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनुवांशिकता शब्द किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकता जो है जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा है? मॉर्गन, मेंडेल, बेटसन, जोहानसन, किसने गढ़ा है आपको बताना है। चौथा का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटसन ने। कंफ्यूज नहीं करना, मेंडल इसमें नहीं आएगा। अनुवांशिकता शब्द गढ़ा किसने है? बेटसन होगा, मेंडल इसमें नहीं आएगा। अगला देखते हैं। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना किस भू आकृति की है? तो कौन से भू आकृति की सबसे नूतन भू आकृति की संरचना है? राजमहल पहाड़ी, दामोदर घाटी, पाट क्षेत्र, सोन घाटी, किस क्षेत्र की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। अगर बात करें राजमहल पहाड़ी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में है? तो झारखंड के साहेबगंज जिले में है। और राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में ही भारत झारखंड का एकमात्र स्थान है जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला सवाल आप देखते हैं। किस वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो 1905 सही हो जाएगा, पहला लॉर्ड कर्जन। अब अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड में बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर किस फसल की खेती की जाती है? किस फसल की खेती होती है? गेहूं, धान, मक्का, महुआ, किस फसल की खेती होती है? कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान। तो झारखंड की सबसे प्रमुख फसल जो है धान है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग विधिवत क्या है? क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, विधायी परिषद है,
संसदीय निकाय है, इनमें से कोई नहीं। तो जेपीएससी जो है एक क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो सही आंसर है पहला ऑप्शन हो जाएगा, एक संवैधानिक निकाय। और जेपीएससी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित की गई है, अनुच्छेद 315 के तहत गठित होता है। और जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल करते हैं, लेकिन अध्यक्ष को हटा कौन सकता है, हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटा सकते हैं राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, रंगीन मिलावट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या मिलाया जाता है। तो 9 का आपका सही आंसर है ऑप्शन 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। तो बम का दर्शन जो है किसके द्वारा लिखा गया था, असपाल, भागवती चरण वोहरा, भगत सिंह, सूर्य सेन, किसके द्वारा लिखा गया था। तो जो बम द फिलोसफी ऑफ द बम जो है भागवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया था, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वां सवाल देखते हैं, इसको मैच करना है, क्या सवाल है, एक दिए कीट रोग वाहक, क्योंकि एक तरफ दिया है कीट और इनके रोग वाहक संचय, एक तरफ कीट दिया है इनसे फैलने वाले रोग दिया है, उसको मिलान करना है, कौन सा इसका सही हो जाएगा 11वां का। इसका सही हो जाएगा बताइए, तैरना करते हुए इसका देखते हैं, ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका मलेरिया, एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। इसके बाद आता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स से क्या होता है फाइलेरिया, इसका बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद है रेत मक्खी, तो रेत मक्खी से क्या फैलता है कालाजार। इसके बाद है सीसी मक्खी, तो सीसी मक्खी जो है निद्रा संबंधित रोग होता है, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों और उससे संबंधित तथ्य को हम मिलान करें, एक तरफ स्थान दिया है उस और उससे संबंधित तथ्य बोला गया है, तो इसमें कौन सा सही मैच करेगा, मैच करके देखिए, ज्यादा समय नहीं देंगे। अब देख लेते हैं, झारखंड की राजधानी रांची है, बिल्कुल मैच कर जा रहा है ये वाला, उप राजधानी क्या है दुमका है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है, उच्च न्यायालय रांची है। तो 1 का क, 2 का ख, 3 का ग, 4 का घ, तो पहला ऑप्शन मैच कर जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, तो कौन से जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, रांची, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, कौन से जिले में स्थापित है। तो इसका सही आंसर है हजारीबाग ऑप्शन 2। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, झारखंड के हजारीबाग जिले में, और झारखंड के हजारीबाग जिले में ही झारखंड में स्थित एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ट्रेनिंग कैंप भी स्थित है, जो हजारीबाग के मेरू में स्थित है। अगला देखते हैं, पोलियो का नेमेटिक जीव क्या है, कौन सा जीव हो जाएगा, कवक, विषाणु, कृमि, पोलियो किससे फैलता है, तो पोलियो जो है विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था, यानी कि मांग को खारिज कर दिया था, कौन से मिशन ने, क्रिप्स मिशन, वेल प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, किसने पाकिस्तान की मांग को खारिज किया था, तो पाकिस्तान की मांग को खारिज जो है कैबिनेट मिशन ने किया था, तो तीसरा ऑप्शन सही है कैबिनेट मिशन ने। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को रत्नागर्भा राज्य कहा जाता है, तो भारत के कौन से राज्य को रत्नागर्भा राज्य कहा जाता है, आपके ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तो ज़्यादा समय नहीं लीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो एड्स के जो विषाणु रहते हैं उसको किसको नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, किसको नष्ट करते हैं, तो नष्ट जो करते हैं लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं,
तोपचांची अभयारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का चर्चित नाम किया है, काली पहाड़ी, लाल पहाड़ी, हरी पहाड़ी, नीली पहाड़ी। तो क्या है, कौन से पहाड़ी इसका नाम है? तो इसका नाम है हरी पहाड़ी। तो तोपचांची अभयारण्य के मध्य एक झील है जिसको हरी पहाड़ी झील कहा जाता है। अगर बात करें तोपचांची अभयारण्य है कहाँ पे, ये झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। अगला देखते हैं, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? किसने घोषणा की थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल, क्लीमेंट एटली। किसने घोषणा की थी? तो घोषणा करने वाले जो थे क्लीमेंट एटली घोषणा करने वाले थे। चौथा ऑप्शन इसका सही है। बीसवां सवाल देख लेते हैं, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियां किससे मजबूत होते हैं? कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, सोडियम से। तो दांत और हड्डी किससे मजबूत होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम से मजबूत होता है। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1987 में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन जो 1987 में हुआ था, इसमें कुल मिलाकर कितने संगठन थे? 51, 52, 54, 53। कितने संगठन थे? तो इस संगठन में शामिल जो थे 53 संगठन शामिल थे। अगला देखते हैं, झारखंड का कौन सा नेता दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो दिसोम गुरु के नाम से कौन सा नेता जाना जाता है? सूरज मंडल, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन, और शिबू सोरेन से दो तीन फैक्ट माइंड में रखिए। तो शिबू सोरेन जो है झारखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री है। तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। और झारखंड में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन। और झारखंड में शिबू सोरेन अब तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो एक टर्म में सबसे कम दिन तक रहने का रिकॉर्ड किसका है? शिबू सोरेन के नाम। और शिबू सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से, ये भी जेएसएससी में पूछा गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अगला देखते हैं, सिद्धू कानू का संबंध किस विद्रोह से है? ये रिपीट हो गया, छोड़िए इसको। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है? तो कारण क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है इसलिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है इसलिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनने के कारण दुर्गंध आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या 10-10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो क्या अलग किया गया है? लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकाय द्वीप और मालदीव, करावती और मिनिकाय द्वीप। तो क्या अलग किए गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अगला देखते हैं, झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? होली, सरहुल, बिहू, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरहुल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? मुगल वंश, चेर वंश, गुलाम वंश, नाग वंश, किस वंश ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेर वंश। तो चेर वंश, चेरो शासकों ने करवाया था चैनपुर महल का निर्माण, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में स्थित पर्वतीय दर्रा नहीं है। आपके ऑप्शन है लिपुलेक, सिपलीका, नीति दर्रा, मूलिंग दर्रा, कौन सा नहीं है? सिपकिला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है, बाकी बात लिपु, नीति और मूलिंग जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखते हैं, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? फिटक्री, ब्लीचिंग, सक्रिय चारकोल, असक्रिय नाइट्रोजन। तो क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? यदि पानी से दुर्गंध आ रही है तो उसमें इस दुर्गंध को हटाने के लिए क्या मिलाया जा सकता है? सक्रिय चारकोल। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय चारकोल को मिलाकर दुर्गंध को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? तो साइंस सिटी कहाँ बन रहा है?
ऑप्शन है बोकारो, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में साइंस सिटी की स्थापना रांची में की जा रही है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं, झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 37, 45, 46, 43। तो झारखंड में अनुमंडलों की टोटल संख्या जो है इसमें देखिए 45 है। अगर झारखंड सरकार के अभी लेटेस्ट वेबसाइट चेक कीजिएगा तो आपको 45 झारखंड के अनुमंडल मिलेंगे। और झारखंड निर्माण के वक्त अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 32 अनुमंडल निर्माण के वक्त 2000 ईस्वी में थी, अभी 45 थे। अब बुक में आपको 42 या 43 मिलेगा, लेकिन झारखंड सरकार के लेटेस्ट वेबसाइट में आपको 45 मिलेगा। और झारखंड निर्माण के वक्त प्रखंडों की संख्या कितनी थी? 212। अभी वर्तमान में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 प्रखंड है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और झारखंड निर्माण के वक्त जिलों की संख्या कितनी थी? 18 जिले थे। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 24। और निर्माण के बाद कितने जिले बने हैं? 6 जिले। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी, कोयना नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली ऑप्शन के अनुसार दूसरी बड़ी नदी कौन सी है? तापी नदी है। अगला है, न्यू मेटोफोरस का क्या अर्थ कार्य होता है? तो न्यू मेटोफोरस का कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन क्या है? पौधों को जानवरों से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधों को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है, पौधों की परागण में सहायता करता है। तो न्यू मेटोफोरस का कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल स्थित है? ऑप्शन है मधुबन, निर्जागंज, राजधनवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबन में। और मधुबन में ही स्थित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? वही पार्श्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ पर्वत, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, पौधों के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? कौन से भाग से प्राप्त होता है? तना, छाल, जड़, फल, किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से खाद्यान्नों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? कौन सा समूह प्राप्त किया जाता है? पालक, बंद गोभी, धनिया, आलू, आम, ब्रोकली, गन्ना, प्याज, चुकंदर, मूली, सलजम, गाजर, कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मूली, सलजम, गाजर जो है पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं, झारखंड की धरती पर पहली बार महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ? 27 दिसंबर 1917, 5 जून 1917, 4 जून 1917। तो यहाँ जान लीजिए, झारखंड की धरती पर महात्मा गांधी का पहली बार आगमन तो 1917 में ही हुआ था, लेकिन तारीख पूछे तो 4 जून 1917 होगा, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका अधिवेशन जो है 1940 में हुआ था। तो रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन 1940 में हुआ था। आपको बताना है रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन किस नंबर का था? आपको यहाँ चार ऑप्शन दे रहे हैं, किस नंबर का था बताना है। 49वां अधिवेशन, 50वां अधिवेशन, 91वां, 52वां, तो कौन सा अधिवेशन था आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखते हैं, महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कब किया था? 1766, 1832, 1781-82, 1784 कब किया था? ऑप्शन के अनुसार आपका सही हो जाएगा, महेशपुर की रानी जो थी रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत जो है 1781-82 में किया था, तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रुधिर है, रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, या प्रजनन ऊतक है? तो रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें आगे तरल भी लिख दिया तो वही होगा, रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं,
वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उल्टा दर्पण, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर डॉक्टर और नाय के द्वारा किस दर्पण का प्रयास प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, लेकिन साइड मिरर में उत्तल दर्पण। अगला सवाल देखते हैं, मध्य युगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिलता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का श्रेय किस शासक को मिलता है? ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है बाबर, कृष्णदेव राय, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता शेरशाह सूरी का मिलता है श्रेय। अगला देखते हैं, काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो ब्लैक रंग फ्लैग क्या दर्शाता है? क्रांति या भय को, शांति को, विरोध को या उद्विराम को? तो क्या दर्शाता है? तो विरोध को दर्शाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और शांति जो है, सफेद जो है शांति को दर्शाता है। अगला देखते हैं, रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद जैनेन्द्र, राधा कृष्ण, वेदनाथ पोदार। तो रामलीला कहानी संग्रह के लेखक जो हैं कौन हो जाएंगे? ऑप्शन तीसरा राधा कृष्ण। और अगला सवाल 45वां देख लेते हैं, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? कुरनूल जो थी आंध्र प्रदेश की शुरुआती राजधानी थी। तो ये थे जेएसएससी प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।